हेलो एवरीबॉडी। तो भाई साहब, मूवी रिव्यू में क्या होता है? मूवी रिव्यू में होती है टेक्निकलिटी, फॉर्मेलिटी, बकचोदी और बकचोदी और बकचोदी पे और ज्यादा से ज्यादा बकचोदी। तो देखो, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, पर आपको मूवी रिव्यू ही देखना है। नहीं मतलब आज आपको मूवी रिव्यू ही देखना है तो सॉरी, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर आपके राइट साइड पे और आपको हमारे हमारे लेफ्ट हाँ, आपको KRK नाम का चैनल मिलेगा। उस पे जाइए, उस पे आपको मूवी रिव्यूज मिल जाएगी। पर शायद ही आपको इस मूवी का मिले, क्योंकि इंग्लिश तो भाई साहब के ऊपर की है। आज मैंने फिल्म देखी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आ जाना वापस इस चैनल पे। हाँ, वो बैक बटन दबा के। तो आज हम देख कर आए मैकेनिक इरेक्शन, इरेक्शन बोला मैकेनिक भालू रेजरेक्शन, मैकेनिक रेजरेक्शन। मुझे प्रोड्यूसर से सिर्फ एक ही सवाल करना है कि ये मूवी के लिए डायरेक्टर को क्यों प्रोड्यूस किया? क्यों क्यों साइमन, व्हाई डिड यू गो बैक? व्हाई व्हाई? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, कम से कम जेसन स्टैटम तो छोड़ के नहीं गया, नहीं तो इसका भी हाल ट्रांसपोर्टर 5 जैसा हो जाता। किसने देखी ट्रांसपोर्टर 5? मैंने देखी, मैंने वो भी थिएटर में जाके, वो भी हिंदी में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। बहुत बुरा हाल होता है यार, बहुत बुरा। जेसन स्टैटम ने ये मूवी को बचा लिया यार। एक्शन सीक्वेंस उसके जैसा कोई नहीं संभाल सकता। पर जैसे कहलवा, मैंने कुछ ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्ट कर किया था ये छोकरी से, पर फैंटास्टिक अरे कितना अच्छी दिखती है, अच्छा तो काम किया है, पूरा रोल देगा। फोर से तो अच्छा नहीं लगा मेरे को यार। नहीं, अरे रोल रेस्ट्रिक्शन होते हैं इसलिए नहीं कर पाई वो। अभी वो बहुत थोड़ी कम ना टाइम के अकेला लिए जाके सबको दिखाया मारती, तो फिर जेसन का क्या फायदा था इस था। वो मूवी बस एक खिलौने की तरह तरह यूज किया था उस बिचारी में। को। हाँ, वो बेचारी एक प्रॉप बन के रह गए उनके एक्शन सीक्वेंस में। सिनेमेटोग्राफी, डाई, एक्शन की, वाह सही है भाई, जबरदस्त। इसके जैसा नहीं देखा मैंने। ट्रांसपोर्टर 5 से तो बढ़िया है। और बहुत बढ़िया, उसका एक्शन कंपेयर नहीं हो सकता है उनके साथ में। हाँ, और द मैकेनिक से भी थोड़ा अच्छा था एक्शन। अच्छा लगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा हाई था सोचने की उनकी लेवल। मेरे को सोचने की लेवल है। अनरियलिस्टिक लगा यार, ये अनरियलिस्टिक लगा थोड़ा एक्शन उसमें का, है ना। अरे वो असैसिन है तो वो ऐसा दिखाया है कि उनके पास सुपर एबिलिटीज होते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे से थिंक करके एक्शन कर सकते हो, हाँ तो ठीक है। उतना मैनेज कर ले। स्क्रिप्ट से बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं। इतनी इम्पैक्टफुल डायलॉग नहीं थे इसमें, है ना। HMM, ये मूवी का बजट देखे तो $100 million था, पर ये टोटली वर्थ थी, क्योंकि इसमें जो एक्शन सीन्स वगैरह दिखाया है, जो टोटल ओवरऑल सीनरीज लोकेशंस वगैरह दिया है, वर्थ मच मोर। मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक्शन पसंद है उसलिए, बस एक्टिंग थोड़ी वीक थी। पर अगर आपने ये मूवी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया है तो वो आपकी मूवी से जिम्मेदारी है। आप खुद को कोसेंगे बाद में। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर आपको इस मूवी के बारे में और कुछ जानना है, जितना हमने बताया उससे और ज्यादा कुछ जानना है, तो खुद थिएटर में जाके ये मूवी जरूर देखिए। टॉरेंट साइट्स बिल्कुल विजिट मत कीजिए, 3 साल तक जेल हो सकती है, और 3 लाख ₹3 लाख का रुपए। जुर्माना। How do you know this? और हो सके तो इस मूवी को अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, दिखाइए उन्हें कि व्हाट अ मैन कैन डू। कितने हाँ एडवेंचरस हैं, हाँ कितने एडवेंचरस लव होते हैं स्टोरी बहुत बंदे। होती हाँ, और लव स्टोरी भी अच्छी है, ओवरऑल गर्लफ्रेंड के साथ देखने जैसी मूवी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर बंदों को सेक्सिस्ट बुलाते हैं, उनके लिए तो बहुत देखने की जरूरत है। तो और आप ये मूवी पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो। हाँ, देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में तो एकदम आराम से देख सकते हो, कंप्लीटली सेंसर्ड वर्जन, गाली भी नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो के लिए हमें चाहिए सिर्फ
दो लाइक्स Okay. इसलिए लाइक करो, कमेंट करो, आपके व्यूज जो भी है, रिव्यू नहीं है प्लीज, अच्छा लगे बुरा लगे इसको गाली देनी है कमेंट में डालो, जो ये, भी ये, मन ये, में इसे है बनियन के ना, बनियन को जो भी कहना है नीचे कमेंट में डालो, और हमारे वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो पहली बार में देखो। पीस आउट।